क्या पीरियड्स में संभोग कर सकते हैं, ये टॉपिक लेके मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमें ऑनलाइन कॉल्स आते रहते हैं, वीडियो कॉल्स है, ऑडियो कॉल्स है, पर्सनल लोग आते रहते हैं, हमारे वेबिनार्स में पूछते रहते हैं लोग, क्योंकि क्या पीरियड्स में जब उनका मेंस्ट्रुएशन होता है, मासिक धर्म होता है, महामारी होती है स्त्री की, उसमें सेक्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखो, कुछ लेडीज को महामारी जो आती है, मतलब मेंस्ट्रुएशन आता है, पीरियड्स आते हैं, वो बराबर साइक्लिकल आते रहते हैं, बराबर 28 डेज में साइकिल आएंगे, 3 या 4 दिन वो पीरियड्स रहेंगे तो। और कुछ लेडीज़ को ऐसा रहता है कि थोड़ा 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 चालू रहेगा 7-8 दिन तक, तो नेचुरली आदमी की इच्छा होती रहती है कि 7-8 दिन तक, समझो रिसेंटली मैरिड है तो नहीं रह सकते, तो उस समय इसलिए है कि पीरियड्स में सेक्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। प्रॉब्लम कहाँ आता है, जब स्त्री की इच्छा नहीं है, समझो स्त्री की इच्छा नहीं है तो ज़बरदस्ती करना नहीं चाहिए। पीरियड्स जब आते रहते हैं तो कुछ महिलाओं को 2 दिन आते हैं, कुछ महिलाओं को 7 दिन आते हैं, तो क्लीनलीनेस यदि मेंटेन किया, जो सब्सटेंस बाहर आते रहते हैं, जो पदार्थ बाहर आता है पीरियड्स में, साफ सफाई रखे और बाद में सेक्स करते हैं और सेक्स करने के समय कंडोम पहनते हैं, तो फिर सेक्स करने के लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं। मगर स्त्री की इच्छा नहीं है तो फिर नहीं करना चाहिए। क्या होता है, पीरियड्स में हार्मोनल इम्बैलेंस होते रहते हैं, तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उनका मूड ठीक नहीं रहता, कभी एंग्जाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, कभी कभी चिड़चिड़ापन रहता है, कभी सेक्स की बिल्कुल इच्छा रहती ही नहीं है, तो फिर वो ना बोलती है, तो ऐसे समय फिर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। और यदि आप फोर प्ले करते हैं, खेलते हैं और फिर उसकी इच्छा होती है तो फिर सेक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या पीरियड्स में करना चाहिए, बिल्कुल कर सकते हैं दोनों की इच्छा है, तो ज़बरदस्ती करके सेक्स करना नहीं चाहिए। हमारा ऐप है, वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, उसमें काफ़ी सवाल जवाब कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।